सबसे पहले टेंस और सेंटेंस में अंतर देखेंगे, सेंटेंस क्या है और टेंस क्या है। अधिकांश देखा जाता है कि बच्चा जो है टेंस और सेंटेंस में अंतर नहीं देख पाता। अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंस पूछते हैं तो काइंड्स ऑफ जो टेंस बताता है, काइंड्स ऑफ टेंस पूछते हैं तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताता है। तो जब तक हमें इसके डिफरेंस का पता नहीं लगने का, तो तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें होती हैं, तो सबसे पहले हमें छोटी बात लेकर चलना। तो सबसे पहले देखना कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वन पॉजिटिव सेंटेंस, टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थ्री इंपरेटिव सेंटेंस। फिर क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। फोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और क्या होता है? फाइव ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये जो रहे हमारे, ये हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। सेंटेंस हिंदी में वाक्य हो। जहां तक टेंस की बात आती है, काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस की अगर बात आती है तो थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। वन प्रेजेंट टेंस, टू पास्ट टेंस, थ्री फ्यूचर टेंस। फिर क्या था हमारा? फ्यूचर टेंस। अगर हम तो हिंदी में देखते हैं, हिंदी में देखते हैं तो टेंस को जो बोलते हैं, सेंटेंस को हम वाक्य बोलते हैं, और टेंस को बोलते हैं काम। ठीक है, टेंस एक प्रकार से जो है समय को समय कहलाता है, चाहे वो समय आपका सेकंड में हो, मिनटों में है, घंटों में हो, महीनों में हो, दिनों में हो, वर्षों में है, शताब्दियों में। तो ये जो हमारा जो है काल जो समय कहलाता है, तो इस अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की पढ़ाई, कहां से स्टार्ट करते हैं? टेंस से स्टार्ट करते हैं। किस चीज से स्टार्ट करते हैं? टेंस। टेंस इतना जवाब दे दिया करो, कोई दिक्कत ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंस। ये क्या लिखा हमने? टेंस। टेंस हिंदी में क्या बताया मैंने इसको? का। हिंदी में आप लोगों को बताया मैंने का। ठीक है, मतलब टेंस जो है हमारा, इसे हमने हिंदी में आपको काल बताया है। और काल को, ये टेंस को जो है ये मान के चलो आप, घर में कोई जो सबसे बड़े व्यक्ति कौन होते हैं घर में? दादाजी। दादाजी यानी ग्रैंडफादर, है नहीं? तो इसे आप जो है टेंस को घर में सबसे बड़े व्यक्ति मान लो, यानी ग्रैंडफादर मान लो, ग्रैंडफादर। तो ये हमारे जो है टेंस जो है ये हमारे ग्रैंडफादर है। इनके तीन लड़के, क्या लड़के इनके? तीन लड़के।
इन्होंने पहले लड़के का नाम रखा अपने प्रेजेंट, दूसरे लड़के का नाम रखा पास्ट, और तीसरे लड़के का नाम रखा इन्होंने फ्यूचर। टेंस जो हमारे ग्रैंडफादर हैं, इनके तीन लड़के हैं, तो तीन लड़कों का इन्होंने क्या पहले का नाम रखा प्रेजेंट, दूसरे का पास्ट, तीसरे का फ्यूचर। अब इनके मन में एक बात आती है, अगर मेरा स्वर्गवास हो गया यानी कि मैं दुनिया छोड़कर चला गया तो मेरा नाम कौन लेगा, मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। इन्होंने सोचा कि मैं अपना नाम कैसे जिंदा रखा जाए ताकि जब तक मेरे बच्चे रहे मेरा नाम भी चलता रहे। तो अपना नाम इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए अपने तीनों बच्चों को अपना नाम दे दिया, टेंस, टेंस और टेंस। अब इनका पूरा नाम हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर हिंदी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इसमें वर्तमान का, क्या बोलते हैं, वर्तमान का। इसको बोलते हैं भूतकाल, इसको बोलते हैं भविष्य। वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, भविष्य काल जो आने वाला। ये चीज हम अगर देखते हैं तो ये हमारा सब चीजों में समावेश होती है। जैसे मान लो कि हमारा सेकंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, सप्ताह है, महीना है, वर्ष है, शताब्दी है। अगर जो चीज बीत गई है तो भूतकाल में आ गई, पास्ट टेंस हो गया। जो चल रही है वो प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान होगी, और जो आने वाले वो हमारे भविष्य। जो चीज मान हम पढ़ा रहे हैं इस समय तो वर्तमान है, पढ़ाएंगे तो भविष्य होगा, और पढ़ा चुके हैं तो हमारा भूतकाल। तो जिस प्रकार हमारे इन टेंस के तीन लड़के हैं, इन तीनों के चार चार लड़के, इन तीनों के क्या लड़के हैं, चार चार लड़के, यानी कि प्रेजेंट टेंस के भी चार लड़के हैं। प्रेजेंट टेंस की यदि हम बात करते हैं तो इनके चार लड़के हैं, इन्होंने अपने बड़े लड़के का नाम रखा इंडेफिनिट, क्या नाम रखा इंडेफिनिट, दूसरे का नाम रखा कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का नाम रखा परफेक्ट, चौथे का जब इन्हें कोई नाम नहीं मिला तो इन दोनों नाम को एक जगह जोड़कर उन्होंने चौथा नाम बना दिया, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिस तरह इसके चार लड़के, पास्ट के भी चार लड़के हैं, पास्ट के चार लड़के पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस थोड़ा जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति है, आप जानते हैं कि भूत जिस पे चिपट जाए छूटता नहीं है, तो उसी तरह का व्यक्ति है, तो इसने भी यही नाम रख दी इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब यही नाम जो है इसने रख दिया। अब बचता हमारा क्या है, बचता हमारा बेचारा फ्यूचर, तीसरा फ्यूचर टेंस बचता है, सीधा साधा व्यक्ति है तीसरे नंबर का। अगर ये वही काम करता जो ये करते हैं, ये सोचे कि तू जो अलग चलता है तो तू भी वही काम कर जिन्होंने कर रखा है, तो इसने भी यही नाम रखे इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, एक परिवार में एक एक नाम के तीन सदस्य हो जाए होंगे तो काम चल जाएगा नहीं चलेगा? अगर एक ही परिवार में एक एक नाम के तीन तीन सदस्य होंगे तो काम चलेगा नहीं चलेगा, बिगड़ जाएगा। एक बात मान लो कि हमने इससे रसगुल्लों की रखवाली में बैठा दिया है, अब इसको आवाज मारते हम तो ये दोनों भगे चले जाएंगे, पता लगा कि कुत्ता है रसगुल्ले खा गया। तो इस समस्या को दूर करने के लिए प्रेजेंट टेंस ने बोला कि मैंने अपने नाम रखे बच्चों के, तुम अपने बच्चों के नाम चेंज करो,
ये बोला मैं नहीं करने का, जितनी स्वभाव का व्यक्ति है। अब इसने सोचा अगर मैं नाम चेंज करता हूँ, मान लो कि इसका इंडेपेंडेंट रखकर राम नाम रखता हूँ या सोहन नाम रखता हूँ, तो हो सकता है ये रख ले। अब ऐसी कोई युक्ति निकाली जाए जिससे कि सांप भी मर जाए और हमारी लाठी बच जाए। तो ये बोला है साहब, अगर तुम नाम चेंज नहीं करते हो तो मैं तो अपने बच्चों का नाम चेंज करूंगा और अपने बच्चों को अपना और अपने बाप का नाम दूंगा। तो इसने क्या काम था, तीनों बच्चों को, चारों बच्चों को अपना नाम दे दिया प्रेजेंट और बाद में अपने बाप का नाम दे दिया टेंस। ऐसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। अब इसने सोचा जब इसने अपना नाम दिया है तो मैं क्यों नहीं दे सकता अपना नाम, तो मैं भी अपने बच्चों को अपना नाम दूंगा। बोले जब तू दे सकता तो मैं भी दे सकता हूं। तो इसने वही काम कर, पहले अपना और बाद में अपने बाप का नाम अपने बच्चों को दे। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो थोड़ी? ऐसे इसने करा, जब बोले इन्होंने कर लिया तो तू के बच्चे, ठीक है ना, तो इसने भी वही काम कर दिया। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हमारे जो है अगर देखा जाए तो नाम याद करने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बची, ठीक है ना। अब होता क्या, अगर कोई आपसे पूछता है कि टेंस कितने हैं, काइंड्स ऑफ टेंस, तो थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर पूछता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो 12 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चे पहले खत्म होगी ना।